वेलकम बैक। मेरे चैनल एनसीईआरटी बुक चैनल में आप सभी का स्वागत है। और देखिए दोस्तों, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। अब जो है यहाँ पे 2000 नए शिक्षक भर्ती होने जा रही है। आपको बता दूँ कि नियम में संशोधन हो चुका है, तो यहाँ पर जो है बीएड वालों को अच्छा खासा मौका मिलेगा। और यहाँ पर जो है जल्द ही आपको 2000 नए शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है डीएलएड और टीटी पास नहीं करने वाले जो शिक्षा मित्र थे उनको यहाँ पर रिक्त मानते हुए यहाँ पर 2000 नए पद सृजित करने के यहाँ पर मौके मिले हैं। तो बीएड वालों को बहुत ही अच्छा मौका मिला है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है, इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि राज्य में 2000 बेसिक शिक्षक भर्ती होंगी। तो यहाँ पर देखिए ऊपर देख सकते हैं आप, शिक्षा विभाग ने डीएलएड या टीटी नहीं कर पाए शिक्षा मित्रों के जो पद है वो रिक्त मान लिए हैं, ऐसा लिया निर्णय लिया है। तो ये देखिए हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में आया है। और यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक शिक्षा नियमावली जारी होने के बाद शिक्षा विभाग ने नई भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। तो देख सकते हैं आप लोग कि नई भर्ती शुरू कर दी गई है। और इसमें देखिए, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो नई भर्ती है वो यहाँ पर क्या क्या लिखा है। अपात्र शिक्षा मित्रों के पद जो है रिक्त मानते हुए यहाँ पे बेसिक, ठीक है, डीओ बेसिक को भर्ती के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। डीएलएड और टीटी पास न होने के कारण करीब 2000 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो अपात्र हैं, तो इनके अपात्र की श्रेणी में आते हैं, तो इनकी जो है निरस्त कर दिया जाता है। और ऐसे में जो है इनकी जो है नई भर्ती कर दी जाती है। तो इन पर संकट, तो संकट किस पर देखिए यहाँ पे, वर्ष 2015 में हाईकोर्ट के आदेश पर 2800 शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किए गए थे। इनमें से जो 1200 के करीब ही यहाँ पर टीटी पास कर पाए। इसके बाद 2013-14 में यहाँ पे मानदेय आधार पर 1070 शिक्षा मित्र में भी यहाँ पर 329 के करीब ही टीटी पास कर पाए हैं, बाकी अर्हित नहीं हैं। तो इतने में से 1017 में से यहाँ पर सिर्फ 329 ही पास कर पाए, बाकी नहीं हैं। ये सारे हटाए जाएंगे और क्योंकि यहाँ पर जो है नई भर्ती कराई जाएगी। और आप लोग देख सकते हैं कि टीटी को वक्त मिलेगा, जो टीटी है उसको वक्त मिलेगा ऐसा कह रहे हैं। डीएलएड टीटी विहीन शिक्षा मित्रों ने सरकार से टीटी के लिए कुछ वक्त मांगा है। और समायोजित प्राथमिक शिक्षक के प्रदेश में ललित द्विवेदी ने कहा है कि प्रदेश में शिक्षा का अधिकार के लागू होने से पहले करीब यहां पे 2800 शिक्षा मित्र की नियुक्ति की थी। और हाईकोर्ट के आदेश पर यहां पे 2015 में उन्हें औपबंधिक रूप से यहां पे सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति कर दिया गया था। इसमें से 1500 के करीब यहाँ पे जो है टीटी पास नहीं कर पाए थे ऐसा लिखा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं और क्या क्या इसमें है और अच्छे से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए वरिष्ठता के संशोधनों के लिए यहाँ पे कसरत शुरू। तो अब जो है वरिष्ठता के आधार पर यहाँ जल्दी ही आपके संशोधन मिलेगा ऐसा लिखा गया है। और यहाँ पर देखिए तदर विलीन बेसिक से एलटी में समायोजित शिक्षकों की भी वरिष्ठता के आधार पर काम शुरू है। तो जो बेसिक से यहाँ पे एलटी में जाने वाले हैं उनकी भी वरिष्ठता के आधार पर काम शुरू कर दिया गया है ऐसा लिखा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ की जो नई भर्ती है वो आ जाएगी अब जल्द ही। और यहाँ पर जो है 2000 बेसिक शिक्षक भर्ती होगी ऐसे यहाँ पर हिंदुस्तान पेपर के थ्रू यहाँ पर आया है। तो चलिए इस वीडियो में।